सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 20 पेज का हलफनामा दायर किया। जी हां, हलफनामे में कहा गया है कि बिहार सरकार की जांच नियमों के खिलाफ है। महाराष्ट्र सरकार ने यह भी कहा कि बिहार पुलिस को जीरो एफआईआर करके जांच मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन ट्रांसफर करनी चाहिए थी। हलफनामा में यह भी कहा गया कि केंद्र ने संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ काम किया है, जबकि नियमों में साफ कहा गया है कि सीबीआई की जांच की सिफारिश करने से पहले संबंधित राज्य सरकार से पूछना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने तर्क दिया है कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और सीबीआई बिना राज्य सरकार की इजाजत के जांच नहीं कर सकती। प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, एक तरफ तो बिहार पुलिस हलफनामा दाखिल करके तमाम वो बड़े खुलासे करती है और दूसरी तरफ आज महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, कौन सी अहम बातें उन्होंने इसमें कही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया था, महाराष्ट्र सरकार को जवाब देना था। क्रिया चक्रवर्ती ने जो पिटीशन लगाई है उसमें उसकी क्या राय है? क्रिया चक्रवर्ती ने पिटीशन लगाई है कि जो एफआईआर पटना में दर्ज है उसे मुंबई ट्रांसफर किया जाए, तो उस पर महाराष्ट्र सरकार ने जो रिप्लाई फाइल किया है उसमें साफ तौर पर कहा है कि पटना पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। उसी सीआरपीसी के प्रावधानों का हवाला देते हुए ये बात महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण कही गई है कि जिस तरह से बिहार पुलिस के कहने पर, बिहार सरकार के कहने के बाद से सीबीआई ने इस मामले को टेकओवर कर लिया, चार्ज ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार ने अधिकारों से बाहर जाकर संवैधानिक मूल्य और संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ जाकर इस मामले में सीबीआई जांच का की सिफारिश को मंजूर किया है। तीसरी कानूनी बात वो कही गई है कि अगर एफआईआर दर्ज हुई है पटना में तो वहां पर जीरो एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए था और जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद उसको ट्रांसफर किया जाना चाहिए था मुंबई। तो इस तरह से न केवल बिहार, लेकिन प्रभाकर, जब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार और खुद रिया चक्रवर्ती भी ये दरख्वास्त कर चुकी है कि सीबीआई की जांच हो, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को आखिर दिक्कत क्यों होनी चाहिए? देखिए, शुरू में भले ही रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन जैसे ही मामला बिहार में एफआईआर दर्ज हुआ और रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, उसके बाद से अब चूंकि क्षेत्राधिकार को लेकर, जुडिशियल को लेकर सवाल उठाया जा रहा है और रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई जांच की भी का भी विरोध किया है। और इंटरेस्टिंग ये है, रोचक ये है कि जो बात रिया चक्रवर्ती ने कहा है वही बात महाराष्ट्र पुलिस कर रही है कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से बिहार सरकार खड़ी है, ठीक उसी तरह से रिया चक्रवर्ती के साथ महाराष्ट्र सरकार खड़ी है। और इस तरह से इस मामले में बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार, बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस आमने सामने है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका इस जानकारी के लिए।